पूला नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपके होस्ट जोशी रेडी और आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फिजियन फोकस। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ कॉलम सिल्वरटूथ कैट्सी एंड स्क्वामिश नेशंस। Summer is finally here, so make sure to protect yourself and your children from direct sunlight. We all love the sun, but it's important to stay safe. When heading out, apply sunscreen with an SPF of 60 or higher. Try to plan outdoor activities for the elderly morning or late evening when the sun isn't as strong. As of Friday, there's a province-wide ban on campfires. If you're planning on barbecue or camping trip, remember that open fires are not allowed. Violating this ban can result in hefty fines ranging from $10,000 to $100,000, and in some cases, you could face up to 1 year in jail. In 1 week, 19 people were killed in motor vehicle accidents in BC due to speeding, drinking, and driving while tired. To stay safe on the highways, slow down and drive carefully. Highway patrols and the RCMP will be out in full force, and if you are caught speeding, you will be penalized. अब हमारे साथ आई है विक प्रसाद जी, जो हफ्ते भर के न्यूज, फिजी न्यूज, लोकल न्यूज और स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके पास भी न्यूज है आप हमारे साथ शेयर करने चाहते हैं तो आप विक के कॉल कर सकते हैं या हमारे स्टूडियो में भी सेंड कर सकते हैं। सो हियर कम्स विक जी। नमस्कार, फिजियन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर के न्यूज़ लेकर मैं हूँ विक प्रसाद। LGBTQ समुदाय के एक सदस्य द्वारा साइबर बुलिंग के कारण आत्महत्या करने के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन की भूमिका को दोहराया है और कहा है कि कमीशन को आम जनता द्वारा ऑनलाइन दिए गए या दिए जाने वाले बयान को नज़र रखनी चाहिए। रंबुका का कहना है कि कमीशन केवल साइबर बुलिंग के संबंध में आम जनता से प्राप्त ऑफिशियल रिपोर्ट पर ही काम करेगा। रंबुका ने कहा है कि कमीशन काम कर रहा है या नहीं या एक अलग सवाल है। उन्होंने कमीशन में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराने के महत्व पर बल दिया है और कहा है कि उसके बाद ही कमीशन मामले की जाँच करेगा। 37 वर्षीय एसाला सेरु याले वावा मामा का परिवार अपने बड़े सदस्य जो फेसबुक और टिकटॉक पर रनांदी के विती के नाम से जाने जाते थे के अचानक निधन से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आरोप है कि सोशल मीडिया पर बुलिंग के कारण याले मामा के आत्महत्या कर ली है। यले उमामा ने छोटे भाई मोसेसे नतुम्बा ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यले उमामा किसी समस्या से गुजर रहे थे। नतुम्बा ने बताया है कि सोमवार रात से ही उन्हें यह महसूस होने लगा था कि यले उमामा किसी समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे रात में सोते थे तो यले उमामा घर के अंदर बाहर आते जाते थे। नतुम्बा कहते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो टिकटॉक और फेसबुक पर कभी भी हारे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं दिखे थे, और जब उन्होंने फेसबुक पेज या पोस्ट किया तो उन्हें लगा कि यले उमामा मुद्दे को हल कर लेंगे। उन्होंने बताया है कि गुरुवार की सुबह वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर थे जब उनकी मां ने यले उमामा के शव को देखा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ACP मेसा के वांगा का कहना है कि वे मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। ह्यूमन राइट्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमीशन ने इस मौत को जांच करने वाले अपराधी के अकाउंटेबल ठहराने के लिए फिजी पुलिस फोर्स और ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन दोनों के समक्ष शिकायत दर्ज किया है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सहायता की आवश्यकता है तो कृपया लाइफलाइन फिजी से 1543 पर या एम्पावर पैसिफिक को 5626 पर संपर्क करें। 2024-2025 का नेशनल बजट संसद में पास हो गया है। इसका अर्थ यह है कि 31 जुलाई 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकार की सामान्य सेवाओं के लिए $3.955 बिलियन की मंजूरी दे दी गई है। 39 MPs ने बजट के पक्ष में वोट दिया, 11 ने विरोध में मतदान किया जबकि 2 ने मतदान में भाग नहीं लिया। स्कूल प्रमिसेस में मेटमेफेन और मेरिवाना रखने के आरोप में 2 15-वर्षीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशंस लिवाई ड्रू ने बताया है कि मामले की रिपोर्ट वालेलेवु पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि जब्त पदार्थ को जांच के लिए भेज दिया गया है तथा दोनों छात्रों से पूछताछ की जा रही है।
एसीपी ड्रीव ने पेरेंट्स से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होने या होने के लिए परिणामों के बारे में लगातार याद दिलाते रहे। एक अन्य मामले में कंदावू में वुनिसिया जेटी में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जब वो सूखे पत्ते उनसे बरामद हुए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि मेरुआना है। ईस्टर्न डिवीजन में कोरिनिविया में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जब उसके पास से कई प्लास्टिक बैग्स बरामद हुए जिनमें सफ़ेद क्रिस्टल थे और जिनके बारे में माना जाता है कि ये मेफिन है। ICP ड्रीव ने बताया है कि पश्चिमी डिवीजन में राकिराके में गिरफ्तारी की गई जहाँ दो लोगों के पास सूखे पत्ते पाए गए जिनको मेरुआना माना जाता है। तव्यूनी में 42 वर्षीय एक व्यक्ति के वर्कशॉप और बैकयार्ड में सूखे पत्ते की सामग्री पाई गई है बाद में गिरफ्तार किया गया जिनको मेरुआना होने का अनुमान है। जांच जारी रहने तक संदिग्ध को हिरासत में रखा जाएगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर तुपेनी बांबा का निधन हो गया है। प्रोफेसर बांबा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड डीन ऑफ द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स थे। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर बांबा एक राजनेता थे और पिछले सरकार में उप प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में मंत्री पद संभाला था और फिजी के सभी समुदाय द्वारा उन्हें एक साहसी सांसद और सच्चे सज्जन व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया गया था। प्रोफेसर बांबा ने डॉक्टर तिमोधी पवनरा के सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था जबकि 1987 के कू के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था और उसके बाद महेंद्र चौधरी के सरकार में वे दो उप प्रधानमंत्रियों के में से एक थे जिन्होंने 2000 के तत्काल या कू के बाद उसे हटा दिया गया था। उन्होंने 2001 में चुनाव लड़ने के लिए न्यू लेबर पार्टी का स्थापना की थी लेकिन संसद में एक भी सीट जीतने में असफल रहे। देश विदेश की खबरों में शनिवार पेंसिल्वेनिया के बटला में एक रैली के दौरान पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के कथित रूप से प्रयास करने वाले एक व्यक्ति की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुआ है। वे कहते हैं कि वो बिथल पार्क पेंसिल्वेनिया से है। सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की है कि क्रूक्स को घटनास्थल पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। FBI ने बताया है कि यह गोलीबारी ट्रंप की हत्या का प्रयास था। इस बीच घटना में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दो अन्य घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद ट्रंप जमीन पर गिर पड़े और सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उनका बचाव किया। उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था और जब उन्हें मंच से उतारकर अस्पताल ले जाया गया तब उन्हें छुट्टी दे दी गई है। ट्रंप मंगलवार से रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन में भाग लेंगे जैसा कि योजना बनाई गई थी। आप देख रहे फिजिन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। मिशन RCMP ने नोरिस फॉरेस्ट सर्विस रोड पर हुई एक कोलिजन की जांच के लिए जनता से मदद की मांग की है जहां सड़क से 300 मीटर नीचे एक कार के अंदर एक महिला को मृत पाई गई थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें सोमवार को सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि फॉरेस्ट्री वर्कर्स ने मिशन में सड़क पर एक 33 वर्ष व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक दिन पहले अपना ट्रक चला रहा था जब उसके ट्रक नीचे गिर गया। उसे बताया कि दुर्घटना में उसके साथ बैठी यात्री की मृत्यु हो गई है जबकि वो खुद किसी तरह ऊपर वापस आ गया है। पुलिस का कहना है कि उसे कोई जानलेवा चोट नहीं आई और उसे अस्पताल ले जाया गया है। किसी भी जानकारी वाले व्यक्ति को अनुरोध किया जा रहा है कि वो मिशन RCMP को 604-826-7161 पर कॉल करें। पुलिस का कहना है कि वे गुरुवार शाम रिचमंड के ईस्ट हैमिल्टन इलाके में मिले ह्यूमन रिमेंस की जांच कर रहे हैं। रिचमंड RCMP के सर्जन गुरुपीर मोंडेर ने कहा है कि किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है और पब्लिक सेफ्टी को लेकर कोई चिंता नहीं है। जाँच अभी भी जारी है। आप देख रहे फिजिन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत सुब्रेल पार्क लंबासा में लंबासा के भिड़ंत सुबह से हुआ जिसमें लंबासा की जीत सुबह से 1-0 से हुआ। रेवा ने तलेबुनी तसीरी को 1-0 से पराजित किया। नांदी और नावुआ दोनों 2-2 गोल से बराबर ठहरे। नसीनू ने बा को 1-0 से पराजित किया और उधर लोटोका ने नानरोगा को 3-2 से पराजित किया। ओलंपिक्स रग्बी सेवन्स कॉम्पिटिशन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। फिजी टीम फ्रांस या पेरिस फ्रांस पहुंच चुके हैं। पहला पुल मैच में फिजी का भिड़ंत यूरुग्वे से होगा 25 जुलाई को 3 AM। 26 जुलाई को USA के साथ में गेम होगा और क्वार्टर फाइनल्स 7 बजे सुबह 26 जुलाई को किक ऑफ होगा और फाइनल्स जो है 28 जुलाई को 5:45 AM होगा। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है?
आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूँ जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूँ। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक जी। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर्स रेडी। The government of BC is planning to build a South Asian museum in the Metro Vancouver area. Please go online and fill out the questionnaire to voice your opinion. It only takes 5 minutes and it's very simple to complete. They are also seeking suggestions for the center's name and their location. You have a significant say in this project, so exercise your right and fill out the questionnaire. Please visit engage.gov.bc.ca/182261. Bula Rugby is taking place in Delta on August the 17th and 18th. Over 25 teams from across Canada will be participating in this event. For sponsorship and other inquiries, please contact Stella at 778-713-2418. Angel Music Productions is proudly presenting another spectacular Mega Summer Bash event at Punjab Banquet Hall in Surrey on August the 4th. This event will feature artists from 6 different countries. For tickets, please call Mike Singh at 604-818-9405. The Surrey Fusion Fair is happening on July the 20th and 21st, offering free admission. Enjoy delicious, authentic food and explore diverse cultures at 60 pavilions. Don't miss one of Surrey's largest and most exciting festivals. The PICS Mega Job Fair is scheduled for July the 25th at the North Surrey Sport and Ice Complex near the Scott Road SkyTrain station. The event runs from 10 a.m. to 3 p.m. and will feature over 100 exhibits. Be sure to bring your updated resume. For more information, please contact PICS at 604-596-7722. The 13th annual Mastari Begum Festival will be held on September the 28th at Massey Theatre in New Westminster. The Saw pop-up event starts at 6 p.m. For tickets and more information, please contact the Massey Theatre at 604-521-5050. The address is 735 8th Street in New Westminster. If you're celebrating a loved one's birthday, you can send all of their information along with their photos to fijianfocus2021@gmail.com. Hamare studio mein aaye hue hai Rizwan Abbas, editor of BC History Magazine. Rizwan Abbas, editor of BC History Magazine. This magazine marks the first publication to profile Fijian personalities, including Atish Ram, Bobby Nyker, Rochelle Prasad, Qasas Khan, and many others. Please have a look. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Bula Fiji. Ji haan dosto, aap dekh rahe hain Fiji in Focus. और हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं, वेरी स्पेशल जेंटलमैन। ही इज़ बीन हियर, ही इज़ आर्कियोलॉजिस्ट, समटाइम डिफिकल्टी सेइंग द वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट। एंड आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है बीसी हिस्ट्री मैगजीन। ही इज़ द चीफ एडिटर ऑफ द मैगजीन, सो रिजवान अब्बास गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस मैगजीन। वेलकम रिजवान। थैंक यू। अच्छा, आप जस्ट अपना बैकग्राउंड तो है, यू आर आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट नेशंस, यू हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, आपने काम किया, लेकिन कब से आपका इंटरेस्ट हो गया मैगजीन में और यू आर द चीफ एडिटर फॉर द मैगजीन? क्यों आपको ये हुआ कि जो हमारे फिजी के लोग हैं उनको हम हाईलाइट करें? एक्चुअली हम चीफ एडिटर नहीं है, गेस्ट एडिटर समा एडिशन के। अच्छा, ओके। तो हम बीसी हिस्ट्री मैगजीन के मेंबरशिप में 3-4 साल से है अभी। अच्छा। तो काफ़ी साल से हमें मैगजीन मिले, तो हम पढ़ता है हर दम उनके बीसी हिस्ट्री के बारे में, कि हम लोग के चाइनीज हिस्ट्री के, जापानीज हिस्ट्री, फर्स्ट नेशंस हिस्ट्री के बारे में। तो हम सोचा एक दिन कि कहने हम एडिटर के ईमेल करके पूछी कि हम कहने एक आर्टिकल अपन हिंदुस्तानी फिजियन हिस्ट्री के बारे में लिखी। राइट। तो हम एडिटर के नाम के जेन वाट है, तो हम मिस वाट की ईमेल करा, वो हम उसके अपन इंफॉर्मेशन दिया। थोड़ा पहले जो हम काम करा, बोला काम के
के लिंक्स दिया उसके, तो फिर हमें ईमेल करके पूछी कि एक्चुअली इफ यू वांट टू राइट एन आर्टिकल, तुम कहने एडिट करो पूरा आर्टिकल, तो हम सोचा अच्छे That's a great idea. Yeah, I might as well edit it. तो ये समर हिस्ट्री के मैगजीन जो है इसमें कई आर्टिकल है हम के हिंदुस्तानी इंडोफिजियन हिस्ट्री के बारे में. पहला तो जो हिस्ट्री है जो एडिटोरियल है वो है गिरमिटिया के बारे में. तो हमारा आर्टिकल जो इसमें है वो पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेज़र वैली के जो सोशल हिस्ट्री बुक में रहा उसमें एक चैप्टर हम पब्लिश करा रहा, तो उसमें से छोटा छोटा पीस हम इसमें पब्लिश कराइए मैगजीन में. और मैगजीन के आर्टिकल में हम लोग के हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करता है कि हम लोग कैसे इंडिया से फिजी आया और फिर फिजी से कैसे हम लोग कैनेडा आया और कैनेडा में हम लोग कैसे यहाँ पर रहा. जी जी. So, जब आपको ये चांस मिला कि you've been put on this honor that you could be the guest editor, so कैसे आपने जो लोगों को आपने यहाँ पर इंटरव्यू किया है जिनका स्टोरी इज देयर, डिड यू हैव अ हार्ड टाइम पिकिंग दोस पीपल? नो, एक्चुअली इट वाज इजी टू पिक द पीपल. हम लोग के हिस्ट्री, हम लोग के कम्युनिटी में काफ़ी ढेर जन काफ़ी ढेर चीज करी है कि हम लोग के कम्युनिटी अभी उनके बारे में सुनी नहीं है. फॉर सच एज योरसेल्फ एंड योर पायनियरिंग म्यूजिक वर्क हियर ऑन टीवी, मिस्टर बॉबी नायकर जो अपन रेस्टोरेंट का ऑनररी काउंसिल है और ऑनररी काउंसिल भी है. अतीश राम, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड अतीश राम के जो हिस्ट्री है. अतीश राम की स्टोरी मैगजीन में जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वेरी हिस्टोरिक स्टोरी है, बिकॉज फॉर एंटी रेसिज्म एंड चेंज द लॉज द वे दैट वी हैव देम नाउ. और हम लोग के फेयर लॉ प्रैक्टिसेस और फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस जैसे अभी है वो अतीश राम के कारण है. और अतीश राम हम लोग के हिंदुस्तानी के एंड फिर यंगर जनरेशन को देख लो तो रुशेल है, रुशेल प्रसाद को. रुशेल प्रसाद की स्टोरी भी इसमें है. कैशियस खान के है. कैशियस खान तो हम सोचता, इन माय ओपिनियन कैशियस खान तो कनाडा के सबसे सबसे most talented musician by far, by well, not just tabla player but he's a group talented musician and singer as well. Showcasing him hamare liye bahut important rahi ki uske bhi hum log showcase kare ki hum log ke role model log bhi hai yahan pe. Right but the thing is jo hamare log hai na wo jab aise hai he's a tabla player and all that usko thoda heighten nahi karte, usko importance nahi dete hai na. Well hum log ke log तबला के बारे में जब सोचे तो लोग सोचे कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, हम लोग की म्यूजिक नहीं है, इंडियन म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, हम लोग के मे बी कव्वाली लोग हैं, हम लोग के डिफरेंट काइंड मे बी गाना, लेकिन जो ची मांगो सोचो कि कैसियस खान अपन गाना जो बजाए है, इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही इज वर्ल्ड रेनाउंड, वर्ल्ड रेनाउंड, आवर ओन Hindustani Indo-Fijian band is a world renowned musician regardless of what he plays. I don't care what he plays, but he plays it so well, it's beautiful. So how many pages are there? This is actually summer edition. It's the summer edition for summer 2024. I think a total of about 40 pages. It's a maximum allotted amount of pages that you can get for this. Agar aap manta kharide to aap sakta Google kare PC History magazine pe, aur PC History magazine ke first link wahan pe hai, aur wahan pe scroll down karo, ya photo dikhai photo pe. So what is about that the car? Oh, this is my dad, hum abba ke photo hai. Oh, acha. So this is about 1979, I think. Oh, 1979, 1980. Crow's Nest Pass, man. So that's the highway number 3 between Alberta and British Columbia. Acha. Yeah, that's a little. Aur aaj aapke abba hamare saath mein nahi hai. Nahi, iske karan hum apne Hindustani aur Indo-Fijian history ke sab study kara raha, uske karan hum shuru kara hai, to wo ke karan hum kaam karta hai abhi. Right. So where can you said you have to Google them to be able to get a copy. Yeah. The black and white hai. Pictures wagera. Yeah, you can get the paper copy on the website, Google karo, BC History Magazine. Yeah. Agar aap digital copy manta to aap sakta digital copy bhi kharide, digital copy bhi full kalam hai. Yeah. So aap sab photo log full kalam hai. And there's articles bhi hai, aur agar
कुकिंग भी है, हजरमंता केकड़ा बनाए, केकड़ा भी सदा बनाए, उसमें रेसिपी है केकड़ा के और पुलाव के भी, तो अगर थोड़ा चटनी के भी और चटनी की तो टमाटर पुलाव किसे सदा खाए टमाटर चटनी के Yeah, so there are a lot of story and cooking and it's just a full-fledged magazine. So if you want to buy a copy, I think they are selling for $7 a copy. Yeah, $7.50 for a copy. I mean, this is a BC history magazine. We should all have a copy, more than one. Yes. Because at least our children, who knows whether we'll be able to do another copy or not. But at least our younger generation, they will know who the pioneers in the community were. That's right. Yeah. Right? हम लोग के हेरिटेज और हिस्ट्री इसमें लिखा है, तो हो सकता पढ़े, सब स्टडी करें आप. Yeah. Anything else you need to say? How is summer going for you? Summer is going great. yeah, we just moved to a new place, so we're just settling in and inviting friends over. So yeah, it's been a good time. Congratulations, आज आपका एनिवर्सरी भी है. Oh, thank you. 12 years, yeah. Yeah, 12 years. Yeah. And two kids, yeah. Yeah. 12 years later, lots of gray hair on my daddy. Oh, you're looking great. Oh, you're thanks. Looking great. Thank you very much for coming to the studio on your special day, on your anniversary day, and much appreciated. Thank you, Camilla. Thank you for having me. Okay. Thank you, Rizwan. Let's now show you some community highlights. I hope you enjoy it all. बात चली दिल से दिल और नजर से नजर दिल से दिल और नजर से नजर उल्फत से उल्फत बात चली गुल गुलशन गुलशन शोला. How's the sound out there? Everything's okay? Thank you. I wanted to say that because after such a long time, we had this amazing sound engineer, Duncan, who did a wonderful job. Duncan, just wave at the audience. I just want to say one of the best sound engineers that I've... Is the tabla sound low for you guys? Is that what it is? So would you raise the tabla sound a little bit in the... Flowers. Every entrapped emotion echoes with the noise of madness to break free. From gathering to gathering during this season, the talks about the devoted love are endless. So why I'm looking at her now is because all the lyrics are on my phone, and my phone just told me now that because it has overheated in the sun, it shut off. But I think I remember the lyrics in Urdu. Zinda, zinda, shore, ah, zinda, zinda, shore. गुल के आने से मौसमी गुल के आने से जिंदा जिंदा शोर जुनू है मौसमी गुल के सन सुहाग मौसमी गुल के आने से ma
अब समय हो गया हमारे जाने के और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक. Keep watching Fiji in Focus Tuesdays at 10 p.m. and Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. and Alberta May at 5 p.m. Sponsorship ke liye, please call Kijie Camilla Ko at 604-537-5123. Aap hame bhi call kar sakte hain. Hamare number credits mein diya gaya hai. Before I leave, I will leave you with these thoughts. Life doesn't allow us to go back and fix what we have done wrong in the past. But it does allow us to live each day better than our last. Author unknown. Apna aur apna family ke kyaal rakhna. Main hoon aapke host Joshi from our team at Fiji in Focus. Please take good care of yourselves and each other and keep a watchful eye on your pets and the elderly. Vinaka aur namaste. क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं यानी विक प्रसाद को. मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं. For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Hit it now.